ଗୋଲ୍ଡ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବା ସୁନା ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଜନା। ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଏକ ଯୋଜନା। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ସୁନା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଦେବାଳମାନଙ୍କରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବା କେବଳ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ସୁନାରୁ କିପରି ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ବା ଆୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବି ସୁନା ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଏବଂ ନାଗରିକ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଲାଭ। ଭାବନ୍ତୁ, କିଛି କାମରେ ନ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ସୁନା ଯଦି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାଟି କେତେ ଲାଭଦାୟକ। ଗୋଲ୍ଡ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଏହିପରି 20,000 ଟନ୍ ସୁନା ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। हम ऐसे गरीब देश हैं, ऐसे गरीब देश हैं जिसके पास 20,000 टन सोना यहीं पड़ा है और शायद हमारी गरीबी का कारण भी यही है कि 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है और इसलिए भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। कोई लॉजिक ये नहीं समझा पा रहा है कि हमें गरीब क्यों रहना चाहिए। अगर हम थोड़ी कोशिश करें, सही दिशा में कोशिश करें, तो हम पर जो ये टैग लगा है उस टैग से मुक्ति पा सकते हैं। और उस रास्ते का एक महत्वपूर्ण अहम कदम आज है ये गोल्ड संबंधित भिन्न भिन्न योजनाएं। अब मैं बचपन से सुनता आया था लोगों से कि भाई आधी रात को काम आता है, सोना रखो आधी रात को काम आता है, कभी जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगा। लेकिन मैंने सैकड़ों लोगों को पूछा कि भाई कभी आपकी जिंदगी में ऐसी नौबत आई है क्या? मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जिसको आधी रात उसका उपयोग हुआ हो। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग में फिट है कि भाई ये रखो, कभी आधी रात काम आ जाए। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।